ये कंफर्मेशन दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। हो रही है। तो आज के लेक्चर में भी हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं कैनवा पर। आज हम फेसबुक की एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और उस फेसबुक की पोस्ट को हम मोटिवेशनल कोट, बेसिकली हम फेसबुक की एक पोस्ट बनाएंगे मोटिवेशनल कोट को लेके। ठीक है, तो हम दो पोस्ट बनाएंगे, 3 बजे तक अगर 2 बन गई तो ओके, वरना हम एक तो लाजमी कंप्लीट करेंगे और मेरी कोशिश है हम 2 ही करें। एक हम थोड़ी सी सिंपल और एब्स्ट्रैक्ट और थोड़ी क्लासिकल सी रखेंगे, और दूसरे में थोड़ी दूसरी पोस्ट में हम थोड़ा सा ना एलिमेंट्स और ज़्यादा क्रिएटिविटी लगाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, कैनवा पर आ जाते हैं। उससे पहले हमारे पास कोटेशंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी मैंने दो कोट्स निकाल ली है मोटिवेशनल अपने पास। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे काम शुरू कर देता हूँ और रिसर्च नहीं करता, या एक जो होमवर्क हमें रिक्वायर्ड होता है वो मैं नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं लेक्चर देने से पहले, जब भी लेक्चर होता है उससे पहले मैं एक आधा घंटा घंटा निकालता हूँ, रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो आपने भी उसी प्रोसेस पे चलना है, फिर ही आपने चलना। तो मेरे मेरे माइंड के पीछे भी कुछ थॉट्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आके बस कैनवा खोल के आपके सामने चीज़ें करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं है। एक पूरा थॉट होता है पीछे, पूरी थिंकिंग होती है, रिसर्च होती है। ठीक है, तो मैंने दो अपने पास एक मोटिवेशनल कोर्स निकाल के रखी हुई है, ठीक है, और उन्हीं को हम करेंगे। सो अब हम फेसबुक पोस्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कस्टम नहीं साइज लेना, हमें यहाँ पे फेसबुक पोस्ट का मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, हम सिंपल यहाँ सर्च करते हैं फेसबुक, देखें फेसबुक एड आ गया, फेसबुक कवर है, फेसबुक इवेंट कवर है, हमें फेसबुक पोस्ट चाहिए, लैंडस्केप बनानी है या स्क्वेयर बनानी है, तो हम स्क्वेयर बनवा। अब ये जो भी इस फेसबुक की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ही आपको ऑटोमेटिक डायमेंशंस देगा। ठीक है, कैनवास की आपको ऑटो सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम मोटिवेशनल एक पोस्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें जो वेरी फर्स्ट मेरे पास है कोटेशन, जो हम पहले कोटेशन पे काम करेंगे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मैंने मोबाइल में सेव की थी। तो द कोटेशन इज, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मैं ये लिख भी देता हूँ, ये एक कोट है जिसपे हमने आज काम करना। वैसे एक लिख रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको पता लगे कि हम किस पे काम कर रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, अब इस पे जब आप सोचेंगे, थोड़ा थिंक करेंगे, जैसे मैंने थोड़ा टाइम लगाया, तो कुछ मैंने पॉइंट्स निकाल लेते थे कि ये जो कोटेशन है ये आपको एक मोटिवेट कर रही है टूवर्ड्स द फ्यूचर, मोटिवेट कर रही है आपको कुछ पैशन को अचीव करने के लिए, कुछ चीज़ को अपना आपका कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो वो आपको कह रहा है, एक जिसने भी कोटेशन लिखी है, जिस पर्सन ने भी, वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि किसी जगह पर पहुंचने के लिए आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रहें और थिंकिंग करते रहें, थिंकिंग करते रहें और उसका कोई आउटपुट ही ना हो। ठीक है, सिर्फ थिंकिंग ज़रूरी नहीं है। उसने कहा द सीक्रेट, इसका सीक्रेट क्या है, सीक्रेट किस चीज़ का सीक्रेट, गेटिंग अहेड यानी आगे बढ़ने का, आगे मूव करने का, आगे कदम बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, कि आप एक कदम लें, मतलब आप कुछ स्टार्ट करें। ठीक है, तो सिर्फ महज बैठ के बातें करते रहना ही किसी मुकाम या गोल तक नहीं पहुंच जाता, आपको एक आइडिया पे, एक अपने एक गोल के पीछे, एक पैशन के लिए आपको निकलना पड़ता है, आपको स्टेप लेने पड़ते हैं और उन्हीं स्टेप्स के थ्रू आप आगे से आगे मूव करते रहते हैं। तो दिस इज अ सिंपल कोटेशन, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको एक मोटिवेट किया जा रहा है टूवर्ड्स गेटिंग अ स्टेप टू द फ्यूचर। ठीक है, आप फ्यूचर के लिए अपना गोल अचीव करने के लिए एक स्टेप लें, गेटिंग स्टार्टेड। जब आप कुछ चीज़ को स्टार्ट करेंगे तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग
अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, यानी आगे बढ़ने का जो सीक्रेट है वो यही है कि आप किसी चीज को स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल कोट हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग को करने के लिए जस्ट यू हैव टू स्टार्ट, आप किसी ना किसी जगह से बस स्टार्ट लें। ठीक है, फिर उसमें एलिमेंट्स और चीजें चेंज कर करके हम उसको बेटर करते हैं, बट द थिंग इज के जस्ट स्टार्ट वे, आप उसको एक पॉइंट पे सिर्फ स्टार्ट करें। ठीक है, स्टक ना हो, पहले बहुत ज्यादा सोचने ना लग पड़े, जस्ट स्टार्ट करें चीजों को जो आपका माइंड कह रहा है। सो इसको हम थोड़ा सा क्लासिकल रखेंगे, ये कोड भी थोड़ी क्लासिकल सी हमें फील दे रही है। ठीक है, कोई इसमें बहुत ज्यादा बेसिकली मोटिवेशनल कोर्स ज्यादातर होती क्लासिकल सी है, तो हमें ये थोड़ा रॉ रॉ सा डिजाइन रखना है, थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन रखना है जो अट्रैक्टिव भी हो, थोड़ा क्लासिकल, थोड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डिजाइन को रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल वाइट बैकग्राउंड से। ठीक है, अच्छा, अब कोड से एसोसिएशन कलर्स आप कुछ भी लेके आ सकते हैं, हर कलर की एक नेचर होती है, बस ये देखें कि कलर जो है वो थोड़ा सा इस तरह का हो कि अगर कोई कोड ऐसी है जिसको आप डिजाइन करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, कभी भी आप डिजाइन करें तो कोड को देखेंगे उसकी नेचर क्या है, अगर उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत की है एक उसका एहसास है, तो फिर आपको पता है रेड कलर होता है या फायर कलर्स होते हैं। ठीक है, अगर कोट थोड़ा सा रिलैक्सिंग साइड पे, थोड़ा सा एक 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 सिर्फ पंच आपको दे रही है, बहुत ज्यादा उसमें शिद्दत नहीं, तो फिर आप थोड़ा सा वार्म कलर्स में जाए, जैसे हमारे पास केस है। ठीक है, क्या उसमें बेटर ये होता है कि आप न्यूट्रल कलर्स को ज्यादा यूज करें, मोस्टली मोटिवेशनल कोर्स में थोड़ा लाइट से कलर्स को ही रखा जाता है, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी शिद्दत होती है कोट के अंदर या उस सेइंग के अंदर या उस कोटेशन के अंदर, तब आपको थोड़ा वार्म कलर्स की तरफ जाना पड़ता है, रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, इस तरह के कलर। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्लासिकल रखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास एक कोट है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए खत्म, तो कोट है, हम कोटेशन बना रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशनल कोट है, तो हमें कोटेशन मार्क्स इम्पोर्टेंट है यूज करने। ठीक है, अब इसकी एसोसिएशन है, जस्ट लाइक आप एक स्ट्रॉबेरी का बना रहे हैं प्रोडक्ट, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, स्ट्रॉबेरी जूस है, उसके लिए कोई पैकेजिंग, या FB के लिए, फेसबुक के लिए उनके कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो अब कंपनी ने आपको कही है स्ट्रॉबेरी जूस से रिलेटेड ना कुछ ना, अब आप उसमें अगर स्ट्रॉबेरी ना रखें, ठीक है, कलर सारा कुछ रहने, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉबेरी शो ही ना करें, या आप कोई मैंगो जूस बना रहे हैं, आपने बड़े अच्छे कलर भी यूज कर लिए, उसमें मैंगो है ही नहीं, मैंगो की इमेज है ही नहीं, पिक्चर ही नहीं है, तो वो डिजाइन आपका नहीं माना जाएगा कि बहुत अच्छा डिजाइन है। क्यों? क्योंकि उससे एसोसिएटेड चीजें ही नहीं है उसमें, तो मोटिवेशनल कोट से एसोसिएटेड चीज होती है कोटेशन। ठीक है, जिसको हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ एक कोमा लगा के दिखा देती हूँ, ये होते हैं ना कॉमे, ये वाले जो इन्वर्टेड कोमास हम इंग्लिश में यूज करते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। ये कोई भी कोट है, जब भी हमने किसी रेफरेंस को या किसी चीज को कोट करना हो, हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोट करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एसोसिएटेड विद कोटेशन और कोट इज इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, तो हमें अब यहाँ से एलिमेंट्स में से आके इन्वर्टेड कोमास देखें, सही एलिमेंट्स में हम सिंपल सर्च करेंगे इन्वर्टेड कोमास, हम सर्च करेंगे, हमें बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हमें इन्वर्टेड कोमास मिल रहे हैं, सिंपल कोमास भी मिल रहे हैं। ठीक है, बट मेरा ये है कि हम एक इन्वर्टेड कॉमास के साथ ना हमें फ्रेम सा भी मिल जाए, एक थोड़ा सा बॉर्डर मिल जाए उनके साथ, जैसे कि मैं आपको जिसको टेक्निकली उसे कहते होते हैं कोटेशन बॉक्स, यहाँ हमें मिल जाए कोई कोटेशन बॉक्स, तो जैसे ये है ना,
ये एक बॉक्स है जिसमें कोटेशंस में, बट ये प्रो में है, हमें कोई फ्री वर्जन का ढूंढना है अगर मिल जाए तो। सारे ही प्रो में है, पोर्ट बॉक्स आ रहा है। ये एक फ्री में पड़ा है, ये इसको रख लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा कोई फ्री में मिल जाएगा। इसको हम यूज कर सकते हैं, देखें इसको हम यूज कर सकते हैं ये पिंक वाले को, बट हमारा कंसर्न नहीं है इससे क्योंकि हमारी जो कोटेशन है थोड़ी लंबी है। अगर कोटेशन थोड़ी छोटी होती है 3 4 5 लफ्जों की, जैसे डू इट, ये भी एक कोटेशन है, नेवर गिव अप, ये छोटी कोटेशन है, वो इसमें पूरी आ जानी थी हमारी। अब हमारी कोटेशन थोड़ी लेंथी है, थोड़ी बड़ी है, उसमें पूरी नहीं आएगी। अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करता हूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो वो मेरे कैनवस से ही बाहर जा रहा है, मेरा इतने हिस्से में मेरा पूरा लिखा ही नहीं जाना हो, ठीक है। तो इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। अगर कुछ छोटी कोटेशन होती है जैसे नेवर गिव अप या डू इट योर सेल्फ, इस तरह की कोई कोटेशन होती है जिसमें कम लेंथ है, तो हम इस तरह के एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे इसको भी यूज किया जा सकता है, बट इसके इस पर मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स माय चॉइस, डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या, आपकी क्रिएटिविटी क्या, आप उस हिसाब से आगे चल सकते हैं। सो मोस्टली यहाँ पे प्रो में ही दिख रहे हैं, एक ये हमें मिला है, ये थोड़ा फील्ड है, कॉमर्स एग्जैक्ट कॉपी है, ये फील्ड कॉमर्स है और ये अनफील्ड कॉमर्स है, बॉर्डर्ड कॉमर्स। ओके, अब इसमें से दोनों में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम दोनों को चॉइस पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पेज के, एक पे ये पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और सॉरी एक पे ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे और एक पे ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिर एट द एंड देख लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी सेम ही चॉइस है, सेम ही चीज़ है, सिर्फ कलर्स का डिफरेंस है, तो ये भी अच्छा है। आई थिंक ये स्ट्रेच होने पे गायब हो गया, ये नहीं चलेगा। तो लेट्स मूव, हम इन्हीं दो को यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है आपने बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं रखनी है, फैंसीनेस हमारा गोल नहीं होता कभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग में, आप जानते हैं। अपने चीजों को एज इट इज यूज करना होता है, बस थोड़ा सा लुक उनकी आनी चाहिए तो आम चीज भी अच्छी लगती है, ग्राफिक डिजाइनर का यही कमाल है। हम मूव करते हैं आगे, उधर टाइमिंग हम इसको ब्लैक में ही रखते हैं, बात नहीं, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इवन इसको इतना बड़ा लग लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे अपने कोटेशन का, जो हमारा टेक्स्ट था इसके इस बॉक्स के अंदर ही हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक हेडिंग या सब हेडिंग ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, और हमारी कोटेशन थी द सीक्रेट। अच्छा, मैं अभी फिलहाल ही ना सारे कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा इसे, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो ये कोट है जिसको हमने यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसके फॉन्ट को डिस्कस कर लेते हैं ना, फॉन्ट को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉन्ट हमें सैंस सेरिफ में रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा चीज़ों को
मॉडर्न रख, मॉडर्न भी रखना है तो मॉडर्न फॉन्ट हमारा आपको पता है सैंस सेरिफ होता है। सैंस सेरिफ का कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जैसे आज एक न्यू फॉन्ट यूज करते हैं, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। मुझे तो पता है मोस्टली फॉन्ट्स का फिंगर टिप्स पे है मेरी कि कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं, बट आपको प्रैक्टिस से आएंगे। तो आपने बार बार सर्च करना है, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उसको यूज करें। तो हम आज के लिए फॉर द टाइम भी हम पब्लिक सेंस एक फॉन्ट होता है सेंस सेरिफ के लिए, तो हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हुआ नहीं पर ठीक है। या कोई और भी हम यूज कर सकते हैं, हेलवेटिका होता है एक सेंस सेरिफ का फॉन्ट है, हेलवेटिका, हेलवेटिका वर्ल्ड। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमें, थोड़ा सा ना इस तरह का फॉन्ट चाहिए जो स्ट्रेस स्ट्रेच्ड आउट हो जरा, थोड़े से ना उसमें एलिमेंट्स थोड़े से स्ट्रेच आउट आ जाए, मतलब स्पेलिंग्स, तो अच्छा लगेगा फ्रेम के अंदर। वो ट्राई कर लेते हैं। इंटर होता है एक, इंटर भी चल सकता है। एक पॉपिंग्स होता है, पॉपिंग्स भी ठीक लग रहा है। पॉपिंग्स में आई थिंक हमें ज्यादा सही लगे तो पॉपिंग्स चल सकता है। एक और ट्राई कर लेते हैं, रोबोटो। रोबोटो एक फॉन्ट होता है सेंस सेरिफ के अंदर ही। आई थिंक रोबोटो इज मच बेटर। रोबोटो में हमें जो स्ट्रेच थोड़े से चाहिए थे ना वो मिल रहे हैं, और बहुत ज्यादा बोल्ड भी नहीं है। तो अब हमारा क्या काम है अगला, कि हमें इस कोटेशन को ना इस बॉक्स के अंदर फिट करना है। अब देखें, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना, ये फायदा नहीं कोई इसका। तो हमें एक अब इसकी हायरार्की इस तरह से बनानी है कि एक अच्छा लगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हम थोड़ा सा, ये सेंटर लाइन है, इसको लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। वैसे आएंगे लेफ्ट लाइन करते हैं। अब हमें ये चीजें बॉक्स के अंदर मिली है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्पेस देते हैं, यानी एंटर पर नीचे लेके जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चीजों को लेके जाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, द सीक्रेट आगे ले जाते हैं ऑफ कैटिंग, फिर नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं अहेड को, इस कैटिंग स्टार्टेड। सिर्फ मैंने एंटर प्रेस किया, हमारा मकसद ये था कि हमने इसको बॉक्स के अंदर लाना। ठीक है, अब इश्यू आ रहा है हमें स्पेसिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा बोल्ड मुझे सही अच्छा लग नहीं रहा, तो हम ऐसे करते हैं कि हमारा, हम इसमें देखते हैं कि हमारा एम्फेसिस किस पे है, मतलब हमने क्या चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखानी। तो इस पूरी कोटेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है गेटिंग स्टार्टेड, इज गेटिंग स्टार्टेड, यानी द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, कि भाई आप स्टार्ट करो एटलीस्ट। तो स्टार्ट करने पे ना थोड़ा फोकस है, स्टार्ट करने पे थोड़ा फोकस है, तो इसको हम बोल्ड रखेंगे, बाकी सारी चीज को हम अनबोल्ड कर देते हैं, नॉर्मल ले जाते हैं। मतलब इज गेटिंग स्टार्टेड को तो हमने बोल्ड रखना है ना, बाकी उसके अलावा हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड इसकी बोल्ड खत्म कर देते हैं। ये देखिए, ये एक अच्छा लुक आ रहा है, ठीक है, एकदम एक एम्फेसिस सा क्रिएट हो गया। अब जो चीज मुझे अगली नजर आ रही है ना इसमें स्पेसिंग के अलावा, वो मुझे ये नजर, मुझे ये लग रहा है कि हम अगर इसकी दरमियान की स्पेसिंग, जैसे लाइन है, अगली लाइन है, फिर अगली लाइन है, इन दोनों के दरमियान की स्पेस को थोड़ा कम करें ना, यानी लाइंस को थोड़ा आसपास करें, तो ये और अच्छा लगेगा। जैसे हम करके देख लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आएंगे स्पेसिंग पे, और हमने दे दी लाइन स्पेसिंग, ठीक है, लाइन स्पेसिंग को बढ़ाएंगे, बढ़ेगी, हमें कम करनी है थोड़ी सी सास चलेगी, ये इतनी मुझे मुझे लग रहा है ठीक है, अच्छी स्पेस लग रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अब लेटर्स साथ साथ मिले हुए हैं, हम थोड़ा सा लेटर्स को भी स्पेस दे देते हैं। अगेन स्पेसिंग पे आएंगे, लेटर स्पेसिंग में थोड़ा सा लेटर्स को स्पेस देते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा साथ भी ना जुड़े और बहुत ज़्यादा दूर भी ना लगे। यस, ये ठीक है। आई थिंक हमारा फॉन्ट पे काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। अब हमारा जो एक मेजर काम है ना,
वो हमें सिर्फ इसकी स्पेसिंग सेट करनी है बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट को सेट करना है सिर्फ। तो हमें थोड़ा सा वैसे करते हैं, बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसे ना ड्रैग करके कीबोर्ड से की से सेट करने की कोशिश करें ताकि ये थोड़ा सा सेट लगे इस बॉक्स के अंदर, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना वो कंपनसेट करे। अभी कैनवस की स्पेस को ना देखें आप, कोई मसला नहीं, बॉक्स को एडजस्ट करें, बॉक्स की स्पेसिंग अच्छी आनी चाहिए, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट चीजों को थोड़ा कुछ। तो आई थिंक यहाँ पे ओके है, ठीक है, हमें स्पेस जरा सही मैनेजेबल मिल रही है, ओके। या ऐसे करते हैं थोड़ा सा बॉक्स को छोटा करते हैं, अब ट्राई करते हैं एडजस्ट करने की चीज़ें। ये भी अच्छा है, बस इसमें एडजस्टमेंट्स की दे रहा है एडजस्टमेंट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ओके है, विजुअली ठीक लग रहा है, इधर बैलेंस एक चीज लग रही है। तो अब क्या किया जा सकता है, तब तो पहले इस पूरे को उठा के आप सेंटर में करें ना। तो ये अभी तक एक सिंपल सा डिजाइन क्रिएट किया। अब इसके थोड़े कर लेते हैं बैकग्राउंड पे काम, इसके बैक कैनवस का क्या कलर होना चाहिए। तो मल्टीपल कलर्स ट्राई करते हैं, जो हमें ज्यादा सूट कर जाएगा उसको हम फाइनल कर लेंगे। तो सारे कलर्स ब्लैक पे, ब्लैक तो हमने रखना नहीं, ठीक है, तो स्टार्ट विद रेड, ज्यादा कंट्रास्ट नहीं बना, इसमें भी ज्यादा कंट्रास्ट नहीं आ रहा, डार्क और डार्क का कंट्रास्ट है। हाँ, अगर हम इन सब चीजों को वाइट कलर दे दें तब कुछ हो सकता है, बेटर हो जाए चीजें, कुछ हो सकता है चीजें बेटर हो जाए, बट वो प्रोमिनेंट नहीं है चीजें। तो कोई और कलर ट्राई करते हैं, पिंक तो एक बड़ा चाइल्डिश सा कलर है, इस ये कोटेशन को चाइल्डिश सी है नहीं, हमें इनसे आगे मूव कर देना चाहिए, ये भी डार्क डार्क का कंट्रास्ट नहीं आएगा। हम थोड़े लाइट कलर्स को देखें यहाँ से, एक अच्छा कलर है बट बहुत ज्यादा चुभेगा, बहुत ज्यादा चुभेगा ये, थोड़ा और लाइट की तरफ आए हम। कलर सिलेक्शन येलो और येलो पे आई थिंक ज्यादा सही लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लें, यहाँ से आते हैं ऐड करते हैं, कलर कोड है हमारे पास तो ओके, वरना हम यहाँ से सर्कल को भी घुमा के कलर को चेंज कर सकते, उसको थोड़ा सा अगर हम और डार्किश की तरफ लेके जाएं ओके। या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, या ग्रेडियंट्स को भी ट्राई कर सकते हैं, मेरे पास नीचे ग्रेडियंट्स कलर भी है, ग्रेडियंट्स को ट्राई कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल डार्क ही डार्क, ये ग्रेडियंट अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो ये तीनों ग्रेडियंट्स अच्छे जा रहे हैं अभी तक, ये नहीं चलेगा, बाकी डार्क ग्रेडियंट्स हैं, ये भी कुछ हद तक चल ले सकता है, इसको कह सकते, ठीक है। तो एक ये हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन, बट अगर देखा जाए ना, एज ऑफ अगर क्लासिकल सी अगर नेचर को देखा जाए, आई थिंक ये ज्यादा बेटर लगेगा। अच्छा, अब हमें अगर इसका ग्रेडियंट चेंज करना है, जैसे कि लेफ्ट से आ रहा है ग्रेडियंट, तो हम कस्टम ग्रेडियंट कर लेते हैं, ऐसे करते हैं पहले ग्रे कलर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसका ग्रेडियंट बनाते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल ऐड पे करना है क्लिक, या जिस कलर के भी हम ग्रेडियंट बनाना चाहेंगे ना इन फ्यूचर,
हम उस प्लेन कलर को पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसको 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 हम ग्रे का बनाना चाहते हैं, तो हम लाइट ग्रे को सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, नथिंग। कलर टोन थोड़ी आप चेंज करना चाहें इधर से आप कर सकते हैं, ठीक है, कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लगता है कि ये जो डार्क कलर है इसको थोड़ा लाइट होना चाहिए, मुझे ऐसे लगे थोड़ा सा ये यहाँ ये इट्स इनफ, ये कॉम्बिनेशन में सही रहेगा, इसको यहाँ ऐसे कर सकते। तो अब हम अगर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें ना, हमने ये ग्रेडियंट सिलेक्ट किया थर्ड वाला, ठीक है, टू भी नहीं या फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले के इसमें थर्ड वाला इज मच बेटर। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, थोड़ा सा एक लाइट का इफेक्ट आ रहा है, कि जैसे यहाँ से एक लाइट सी आ रही है और यहाँ से थोड़ा एरिया डार्क है, ठीक है। हो सकता है आपको स्क्रीन शेयरिंग में इतना प्रोमिनेंट ना हो रहा हो, बट यहाँ पे चीज़ें डार्क हैं, यहाँ पे कलर थोड़ा डार्क है, यहाँ पे लाइट कलर है, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से ना कोई लाइट कोई रोशनी से आ रही है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो जाए कि लाइट, तो हमें शेडोज देना जरूरी होते हैं। तो इस बॉक्स का ना एक सिंपल सा शेडो देते हैं, क्या करते हैं हम एलिमेंट्स पे जाते हैं, शेडो सर्च करते हैं, शेडोज पर सामने शेडोज आ जाएंगे। ग्राफिक्स को सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो कुछ प्रो में है कुछ फ्री में है। वेरी फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, हमें डाउन शेडो देना है, नीचे का शेडो, यानी यहाँ से लाइट पड़ रही है और इसका एक ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो नीचे एक शेडो सा बन रहा है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं बॉक्स की विड्थ पे, ये देखें जैसे मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ तो मुझे वो लाइंस दे रहा है कि यहाँ तुम्हारा कैनवस है, बेसिकली यहाँ हमारा कैनवस है, ठीक है, उसका मार्जिन है। इसके आगे आते हैं, यहाँ हमारे पास जो लाइन क्रिएट हो रही है ये बॉक्स की है विड्थ, ठीक है। सेम एज इस साइड से भी हम इसको स्ट्रेच आउट कर लेते हैं बॉक्स की विड्थ तक, तो यहाँ से इसने लाइन दी, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉक्स के नीचे शेडो आ गया, बट शेडो बहुत डार्क है, नेचुरली इतना डार्क शेडो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे कम करेंगे, हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए हम ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी को मिनिमाइज करते हैं, जहाँ हमें लगे कि यार हाँ यहाँ पे अब थोड़ा नेचुरल सा लग रहा है, जैसे आई थिंक सो कि यहाँ पे थोड़ा नेचुरल सा, थोड़ा और कम कर लेते हैं बेस्ड ऑन कि हमारे ऊपर से रिफ्लेक्शन कितनी आ रही है। 25 पे कर लेते हैं, पहले 30 पे था, 25 पे इसको कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर से क्रिएट हो। अब चीज़ों को थोड़ा सेंटर लाइन कर लें, सारे को सिलेक्ट करें और इसको सेंटर में लाइन कर दें, प्लस सा बन रहा है, इट मीन्स बिल्कुल राइट से भी लाइन है, टॉप मार्जिन टॉप बॉटम हर जगह से लाइन है। तो ये शेडो हमने यहाँ पे नीचे क्यों दिया, सिंपल सा शेडो है, इसको थोड़ा और भी आप कर सकते हैं अगर चाहें, करके देख लेते हैं, चाहे तो थोड़ा सा लाइट कर दें, 20 तक ले जाए, तो ये एक ठीक है, ये अब आई थिंक ठीक है। तो ये एक हमने सिंपल सा एक पोस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। अब अगर आपका कोई कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप सिंपल इसको थोड़ा नीचे लें और ऊपर कोई कंपनी का लोगो लगा दें, हम यहाँ से लोगो सर्च कर लेते हैं कोई डमी, ये पकड़ लेते हैं, क्या ये तो बहुत ज्यादा सिंपल होगा, और पकड़ लेते हैं इसे, पकड़ लेते हैं ये, आप छोटा करके ऊपर सेंटर में ये लगा दें, ठीक है। अब इस सारे को आप ज़रा सिलेक्ट करके ना सेंटर में कुछ अलाइन कर लीजिए इस तरह से, आप अलाइन कर लीजिए, क्या वैसा करें इसको थोड़ा कम दे दें स्पेस, ताकि वाइट स्पेस का एलिमेंट भी अच्छा रहे, इसको यहाँ एडजस्ट। तो आई थिंक ये फाइनल है,
इसमें और ज्यादा कुछ करेंगे ना हम चीजें खराब हो सकती है। अच्छा अब हमने एक रखा था दूसरा वाला, ये वाला तो इस पे भी ट्राई करके देख लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं ठीक है। और इस फ्रेम को रखते हैं कंट्रोल सी करके इस फ्रेम की जगह पर रखते हैं, और इसको अब रखते हैं इस जगह, इस पर एडजस्ट करते हैं। ये शेडो के विड्थ के साथ हमें पता लग जाएगा कितना चाहिए। तो अब हमारे पास एक ये ऑप्शन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन। बट जो ज्यादा पावर है ना वो फील्ड वाले में, इसमें इन माय ओपिनियन, आपके ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकती है, तो ज्यादा जो है हमें नजर आ रही ना एक फीलिंग पावर, जो एक इंटेंसिटी अगर हम उसको कह सकें, तो वो इसकी बजाय ना ये थोड़ा खाली खालीपन सा फील हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा भरा भरा चीज लग रही है, क्योंकि लोगों भी थोड़ा फील्ड आउट है ना, तो चीजें कंपनसेट कर रही है एक दूसरे के साथ, प्रॉक्सिमिटी है इसमें, तो आई थिंक हमें इसी को फाइनल करना चाहिए। इसमें और भी कुछ हो सकता है बट मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, आई थिंक कि डिजाइन या फिर फाइनल करना चाहिए। इट्स प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनली भी है, क्लासिकल हमने इसको सोचा था कि क्लासिकल थोड़ा रखना है, मॉडर्न थोड़ा कम रखना है, इस तरह के डिजाइन भी चलते हैं, आप देखेंगे मोस्टली इंटरनेट पे इस तरह के डिजाइन होते हैं। ये कोई आपको डिजाइनर ये कह नहीं सकता कि इसमें कुछ कमी है, क्योंकि डिजाइनिंग की होती है सिंप्लिसिटी, और चीजें कन्वे होनी चाहिए, चीजें प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वो चीजें हमने अचीव की हैं। अब जरूरी नहीं होता कि बहुत सारा कुछ आप इसमें रखें, बहुत कुछ चीजें करते रहें, जरूरी नहीं होता। तो आई थिंक एक ये पोस्ट में फाइनल करनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, बट उससे पहले मुझे आपसे पूछना है कि कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी तो नहीं है आप लोगों के इसमें, क्लियर है आपको? या कोई ओपिनियन? जी या नहीं? मत जी अब्दुल्ला, कामरान, कोई क्वेश्चन या कोई ओपिनियन हो आपकी रिगार्डिंग दिस डिजाइन? नो सर, आप भी खुद से डिजाइन करें चीजों को, आप हो सकता है मुझसे ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ कर सकें चीजें ठीक है। टाइम मुझे देखते हैं, है थोड़ा सा टाइम कर लेते हैं, एक पोस्ट और डिजाइन करते हैं, मोटिवेशनल कोट ही ठीक है, वो भी हम फेसबुक के लिए ही डिजाइन करते हैं, बट अब उसको हम इतना सिंपल या क्लासिकल नहीं रखेंगे ठीक है, उसको हम थोड़ा सा मॉडर्न साइड पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ऐड पेज कर लेते हैं न्यू, वाइट में हम इसको चलाते हैं फिलहाल में, वाइट कैनवस, तो कैनवस ले लिया हमने, एक पोस्ट हमने ये क्रिएट की है, और नेक्स्ट पोस्ट अब हम एक और क्रिएट करते हैं। उसकी कोटेशन मैंने जो हमारे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनकी एक कोटेशन निकाली थी, और कोटेशन मैं आपके सामने ये यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोटेशन है, फेयर योर फेलियर्स लाइक अ बैच ऑफ ऑनर, ये कोटेशन है, वेयर योर फेलियर्स लाइक अ बैच ऑफ ऑनर्स। अब यहाँ पे बैच का बैच, वो जैसे एक क्लास मॉनिटर होता है ना, उसको एक बैच मिलता है, एक रिबन मिलता है, वो वाला बैच, तो वो सुंदर पिचाई की है बेसिकली, ये गूगल के सीईओ हैं, करंट सीईओ, तो उनकी एक कोट है
और वो उस कोट में ये कहते हैं कि आपको जितने मर्जी फेलियर्स आए आप उनको रिगार्ड करें, वो उनसे घबराएं ना, आगे मूव करें उनको ऑनर के फॉर्म में ना, एक इज्जत के फॉर्म में उसको रखें अपने पास, अपने साथ, उससे भागे ना, उससे डरे ना, तो उसको एक ऑनर दें जो भी आपका फेलियर है। Just give me 1 minute. तो यस, मूविंग फॉरवर्ड, सो थोड़ा फास्ट नहीं चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि 3:30 बजे से पहले पहले हमने ऑफ करना है इसको। मैं थोड़ा फास्ट पेस पे चलूंगा, ठीक है? अगर चीज़ें आपको क्लियर ना हो कुछ मसला, अव्वल तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चीज़ें क्लियर हो, ठीक है? बट अगर फिर भी कोई इश्यू रहता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो हम मूव करते हैं। हमारे पास एक कोटेशन है सुंदर पिचाई की, वेयर योर फेलियर्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर, ठीक है? वो ये कहते हैं कि अपने फेलियर्स को इज्जत दें, उनको ऑनर दें, उनकी उनको ऐसे कोई यहाँ समझें कि इन्होंने हमारी प्रोग्रेस रोक दी है फेलियर ने या कुछ। तो वो एक बहुत बिलीवर है फेलियर्स के, वो कहते हैं फेलियर्स नहीं होते तो सक्सेस नहीं होती। तो इसमें बड़ी एक इंटेंसिटी सी एक मैं फील हो रही है कि बड़ा एक उन्होंने इंटेंस लेवल पे जाके एक जुमला कहा कि वेयर योर फेलियर्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर, तो वो उससे इसमें कोई घबराहट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो एक इंटेंसिटी है, तो डेफिनेटली जब इंटेंसिटी है तो हमें वार्म कलर्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? तो कोटेशन को यहाँ से खत्म करते हैं। वार्म कलर हमारा बड़ा मशहूर कलर है, रेड, रेड कलर ही वार्म कलर बड़ा मशहूर है। तो कैनवास को मेरा पूरा रेड कर लेते हैं, पहले जस्ट स्टार्टिंग तो रेड पकड़ते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है? हमने इंटेंसिटी पे चीज़ें लेके जानी। अब रेड पे कंट्रास्ट में चलना है हमने, ठीक है? और थोड़ा हमने मॉडर्न एलिमेंट्स भी रखे। अगेन कोटेशन है, तो कोटेशन से एसोसिएटेड चीज इज कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास। तो अच्छा, अब मेरा जो एकदम मुझे एक आइडिया यहाँ पे देख के आया ना, वो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें इतने पूरे एक एरिया को ना, यानी हमें अपना 70% बल्कि 80% ऑफ एरिया ना कोटेशन से कवर कर देना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अच्छा एकदम नहीं, मैंने आपसे पहले भी बताया कि एकदम नहीं मुझे आइडियाज आ जाते, मैंने पहले थोड़ा सा थिंकिंग करके रखी होती है कि मैं जब बना रहा हूँगा स्टूडेंट्स के सामने तो मैं ये चीजें बनाऊंगा, वो मैंने एक पूरा स्केच पहले अपने माइंड में बनाया होता है, तभी मैं आपके सामने बनाता हूँ, एकदम से नहीं आइडिया। तो आप भी पहले थोड़ा टाइम लगाएं, 1 घंटा 1.5 लगाएं स्केच बनाए कि मैंने किस तरह का बनाना है, कैसे करना है, तो फिर ही आप क्रिएटिविटी के साथ काम दे सकते हैं। तो जो मैंने चीज तो सोची हुई थी, हम एक कोटेशन सर्च करते हैं, कोटेशन मार्क को कहते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमास भी सर्च कर सकते हैं, कोटेशन मार्क्स। तो लेट्स से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? इसको न्यूट्रल कलर वाइट पे ले जाते हैं, सिंपल एस्ट है। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे एक 70% ऑफ कैनवस पे ना, ये 80% ऑफ कैनवस पे एक कोटेशन मार्क ही हो सिर्फ और कुछ ना हो। तो इसको अचीव करने के लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो एक कोटेशन मार्क चाहिए हमें, ठीक है? स्कोर बढ़ाते जाते हैं, देखते हैं थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कम कर, थिंक सो दिस इज गुड।
अच्छा, अब मेरा आइडिया इसमें ये था, बट फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ अपने हिसाब से। ये यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब मेरा आइडिया अगला इसमें ये था कि जो हमने कोटेशन लिखनी है ना, जो हमने कोटेशन लिखनी है वो हम इस क्राइटेरिया में लिख लेंगे। ये जो क्राइटेरिया हमारे पास बना है ना, इसमें हम कोटेशन लिख, ठीक है? तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले कोटेशन इस क्राइटेरिया में ना अपनी कोटेशन लिख लेते हैं। टू एड सब हेडिंग करते हैं, कोटेशन थी हमारे। अच्छा, इसको ना बड़ा यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा मार्जिन राइट से लेफ्ट से इतना रखते हैं। कोटेशन हमारे पास थी, वेयर योर फेलियर्स लाइक अ पैच ऑफ ऑनर फुल स्टॉप। पहले तो ये सेंट्रल लाइन है, इसको जरा लेफ्ट लाइन कर ले। अब देखें, मैं इसको स्मॉल भी करूं तो मुझे, अब ये कोटेशन मेरी इतनी सी है, एरिया मेरा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, अभी ऊपर से भी नीचे भी, तो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है, इसको कैसे फिल आउट करें? इसको हम ऐसे फिल आउट कर सकते हैं कि हमें लाइंस बना लेनी चाहिए, जैसे हमने इसमें लाइंस बनाई है ना कोटेशन की, हमें इसमें भी लाइंस बना लेनी चाहिए। जैसे हम वे और फेलियर्स को एक लाइन में कर लेते हैं, लाइक अ बैच, और अकेले ऑनर को ना एक लाइन में लेना। थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बढ़ेगी। फर्स्ट पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने क्या कौन सा रखा, सेंस सेरिफ पे ऑब्वियसली जाएंगे, मॉडर्न डिजाइन है, सेंस सेरिफ पे जाएंगे। आई थिंक सो, हमें हेल्प, एक एक मोंट सेरेट होता है, मॉन्ट मॉन्टसेरेट क्लासिक, इस पे चले जाते हैं। ये भी अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। थोड़ा इसको बोल्ड हमें चाहिए, बोल्ड के बगैर ये अच्छा नहीं लगेगा, हमें बोल्ड में ही चाहिए। फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका, ताकि स्पेस जरा यहाँ से हमें अचीवेबल मिल सके, अच्छी मिल सके। थोड़ा अब इसके अगेन लाइनों में, दोनों लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमें कम कर लेना चाहिए स्पेसिंग में। लाइन स्पेसिंग पे आते हैं, कम कर लेते हैं स्पेसिंग ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। आई थिंक सो, ये ठीक है। अभी भी हमारा ऊपर और नीचे से ना स्पेस है जरा, अब एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट के हम ना एक इन्वर्टेड कोमा लेते हैं, उसको ऊपर रख देते हैं, इसके एक कोई इन्वर्टेड कोमा फ्री वाला मिल जाए, ये ले लेते हैं। सॉरी, कोई करना ना, कोई करना। यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा ऊपर को रेड में रख लेते हैं, रेड कलर हम यूज कर रहे हैं तो उसको, क्योंकि स्पेस अब हमारी फिल आउट होना शुरू हो गई है, ठीक है? नीचे हम ऐसा करते हैं कि सुंदर पिचाई का नेम लिख देते हैं, हमारे पास नीचे स्पेस है ना, सिंपल है, इसको हम थोड़ा कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, इधर लिखते हैं उसका नेम, सुंदर पिचाई, ठीक है? बड़ा है, इसको स्मॉल करना है हमें, और इसको बोल्ड भी खत्म करेंगे, प्रोमिनेंट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ रख लेते हैं इसका नेम, इसको हमने लेफ्ट लाइन करना ही करना है चीजों के साथ। स्पेसिंग थोड़ी बढ़ाते हैं इसकी, लेटर स्पेसिंग, लेटर्स को थोड़ा स्पेस देते हैं, ये पढ़े हैं जाएंगे थोड़ा, ठीक है? थोड़ा और छोटा कर लेंगे अगर आप चाहते हैं,
यहाँ पे भी एक थोड़ी सी स्पेस है, इसको हम कोई लाइन एलिमेंट से कवर करने की कोशिश करते हैं उसे। यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं एक छोटी सी ऑनर के नीचे, ताकि एक स्पेस भी कवर हो सके और एक एलिमेंट भी यूज हो जाए। तो लाइन हमारे पास सामने नजर आ रही है, लाइन पकड़ते हैं। अच्छा, अब लाइन में ना अगर आपको एंगल सेट करते हुए कोई ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये इसका एक तरीका होता है, आप शिफ्ट की प्रेस कर लें, शिफ्ट की लाइन सेलेक्ट करें, शिफ्ट की प्रेस कर लें कीबोर्ड पे होती, फिर एंगल सेलेक्ट करें, ये जीरो एंगल पे सेट होगी, जैसे ये ऊपर नीचे होगा ही नहीं एंगल्स। तो इस लाइन को यहाँ ले आते हैं, तो ये देखें इसको ऊपर नीचे से स्पेस इक्वल होनी चाहिए थे, हम इसको थोड़ा मूव करते हैं तो हमें स्पेस देता है। ठीक है, लाइन को अगर हम डैश लाइन बनाने, डैश लाइन क्या करेंगे, लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन का, यहाँ पे हम लाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें डॉटेड लाइन लेनी, डैश लाइन लेनी है, हमें डैश लाइन लेनी, डैश पे चले जाते हैं। ठीक है, लाइन थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही छोटी लाइन, तो इट्स गुड। अब हमें ना ये एक स्पेस बड़ी 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 ला के रही है, ठीक है, तो ज़रा सारी सारी चीजों को ना थोड़ा ऐसा करते हैं कि वाइट, ये ऊपर और नीचे से वाइट स्पेस में थोड़ा विजुअली इक्वल लगे, और राइट लेफ्ट से भी थोड़ा इक्वल लगे, ये यहाँ ठीक है। तो अब हमने देखे हैं कितना शार्पली सिर्फ एलिमेंट्स को यूज किया, कुछ भी नहीं किया, सिंप्लिसिटी इज द की, सिंपल रखा है चीजों को, हमारी स्पेस भी भर रही है, चीजें ओके भी लग रही। सिर्फ एक मुझे जो इस डिजाइन में इशू नजर आ रहा है, वो मैंने ये भी सोचा था कि मैं सुंदर पिचाई की इमेज भी यूज करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है, तो उसका हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ नीचे करके एक इमेज लगा सकते हैं हम उसकी, ठीक है, उससे फिर हमारी सिमेट्री पूरी हो जाएगी। अदरवाइज अगर अभी हम इसको सिमेट्रिकल देखें ना, तो अभी ये सिमेट्री पे नहीं जा रहा है, बैलेंस्ड नहीं है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड पे भरमार ही भरमार है चीजों, ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस तो करना है, सेंटर से हम इसको डिवाइड करें तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है, तो हमें राइट साइड पे भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक सुंदर पिचाई की इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी, आपको दिखाता चलूं, आप भी कर सकते हैं डाउनलोड, कोई मुश्किल काम नहीं, गूगल से मिल जाती है, ये एक इमेज है, ठीक है, बट इशू इशू ये है कि इसके पीछे बैकग्राउंड है। अब अगर मैं यही इमेज सीधी जाके यहाँ पे लगा, उसके पीछे तो बैकग्राउंड आएगा, मुझे तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो फिर मुझे इस को यानी पीएनजी बनाना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होता है कैनवा पे है या नहीं, कैनवा पे बिल्कुल है, लेट से मैं अगर जाता हूँ एलिमेंट्स पे, सॉरी अपलोड्स पे, मैं इमेज अपलोड करता हूँ, अपलोड फाइल्स, डाउनलोड्स में पड़ी है मेरे पास ये इमेज, ठीक है, इमेज यहाँ अपलोड होगी, तो इमेज को फिर मैं यहाँ पे उठा के क्लिक करता हूँ, इमेज यहाँ पे आ गई, बट मुझे ये बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए, ये सिर्फ उसकी पर्सनल इमेज चाहिए वाली, तो मैं इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट फोटो से बैकग्राउंड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रो वर्जन में मेरे पास, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मुझे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, जस्ट लिव 1 मिनट, मैं इधर आगे चलते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं, बस थोड़ा सा ही हमारा काम हो रहा है। हमें अब बेसिकली इस इमेज को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है, फ्री वेबसाइट है, रिमूव डॉट बी जी, बी जी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड, रिमूव डॉट बी जी, हम इस पे चले जाएंगे सिंपल, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेजेस फॉर फ्री, रिमूव डॉट बी जी, इस पे आ जाएंगे।
यस रिमूव डॉट जीजी, सो अपलोड इमेज सिंपल है, कोई प्रोसेस इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इमेज सेलेक्ट करें, ये कहिए आपको अब इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके इमेज देगा, ठीक है। जैसे ओरिजिनल इमेज थी ये वाली, और रिमूव बैकग्राउंड के साथ है इमेज ये वाली, तो हमें ये चाहिए बेसिकली। सिंपल हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है कैनवा का, इसलिए हम ये चीज़ें कर लें। मैं आपको प्रो वर्जन का हैक और टिप बता दूंगा, फिर हम उसको कैनवा से ही चीज कर सकेंगे इस चीज़ को। तो हमें यहाँ आ जाना है एक दफ़ा फिर। अब हमने जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया है, उस इमेज को अपलोड करना है इधर, ठीक है। इमेज अपलोड होगी एंड सिंपल, अब इस इमेज को हमने एडजस्ट करना है। अब हमें एक बैकग्राउंड के साथ इमेज मिल रही, तो हमारी ये कोशिश है कि इसको थोड़ा सा ना हम राइट पे रखें, ताकि चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड हमें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये ग्रुप है, ये बैलेंस, सो आई थिंक अब ये हमारा पोस्टर कंप्लीट है। एक चीज़ की कमी है लोगों की, वो लोगो हम लगा सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो इसको थोड़ा सा और ना बड़ा करते हैं इमेज को थोड़ा, और इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। हाँ अभी अब ये विजुअली ठीक लग रही है ना, सही लग रही है विजुअली। तो एक सिर्फ लोगो की कमी रह गई है, एलिमेंट्स पे जाते हैं, लोगो हमने पहले ये उठाया था, इसी को दोबारा उठा लिया, यहाँ आ गया लोगो। इसको हम यहाँ पे इसके सेंटर के साथ एडजस्ट करेंगे, इस साइड पे सेंटर से लाइन बन रही है ना, उस साइड पे हमने मार्जिन स्पेस भी रखनी है। लोगो को वाइट कर देते हैं, क्योंकि हम वाइट और रेड पे चल रहे हैं। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लें, इसके सामने ले आए थोड़ा सा और, ठीक देखेगा आप। अब ये देखें, चीज़ें निचली बैलेंस भी हो गई हैं, एक मॉडर्न सा क्रिएटिव हमने डिज़ाइन भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन पर पहले मैंने सोचा था लेक्चर देने से पहले कि मैं ये कुछ करूँगा, विजुअली थी चीज़ें सारी, ठीक है। आपने भी विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़िंदगी में, तभी वो बेटर से बेटर। तो हमने कोई आपके सामने, जबकि हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, हमने कोई हैवी एलिमेंट्स यूज ही नहीं किए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हम चीज़ें यूज करते हैं, द थिंग इज सिर्फ क्रिएटिविटी। थोड़ा सा इसको और लुक थोड़ी सी इसकी बढ़ाने के लिए ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट सर्च करते हैं, अगर हम कोई लगा सके एब्स्ट्रैक्ट सी ऑल, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट ढूंढते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी वेव सी क्रिएट हो जाए लाइट से कलर में, मुझे यहाँ पे वेवी सा ये एक मिला है, वेवी सा वो किस तरीके से अगर एडजस्ट किया जाए ना, थोड़ा इनको मार लिया जाए, ये अच्छा लग रहा है, लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल इसको थोड़ा सा चीजों को हमें तो कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके एडजस्टमेंट्स किए हैं। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने एक सिंपल एक वेव ली थी, ये वाली वेव, ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही, एक ये वेव चाहिए थी मुझे, ठीक है। उसको सिर्फ घुमा फिर आके एडजस्ट करके ना मैंने इसके साथ किया, थोड़ा इसको घुमा के, ताकि वो अब ये एक इस तरह की आपको वो आ रही है कि यहाँ से एक वेव सी शुरू हो रही है, और यहाँ पे एक वेव सी आ रही है नीचे उसके नाम तक, ठीक है। और कुछ नहीं किया, सिंपल एक क्रिएटिव एलिमेंट ऐड करने के लिए किया है मैंने ये, नथिंग एल्स। तो ये आई थिंक एक अच्छी पोस्ट डिज़ाइन हुई है, और एट द सेम टाइम ऊपर वाली को देखें, ये क्लासिकल थी, इसमें तो हमने कोई इतनी हैवी चीज़ें रखी नहीं थी, ये थोड़ा सा हमने मॉडर्न टच पे
अच्छा अब बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लें, बैकग्राउंड पे हमने पहले इनिशियली रेड रखा था, अब हम चीज़ें ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स भी, पिंक पे जा सकते हैं, ये भी अच्छा एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, ये कलर भी प्रोफेशनल है, ये नहीं दे रहा, ये कलर भी एक हद तक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, बट ये एक प्रोफेशनल दे रहा है ये कलर, ठीक है, क्योंकि वार्म कलर इंटेंसिटी पे रखना है। ऑरेंज को ट्राई करते हैं, ऑरेंज भी इट सेल्फ भी दे रहा है, थोड़े ग्रेडियंट्स को ट्राई कर लेते हैं, ब्लैक पे नहीं जा जाएंगे हम, ये भी थोड़ा सा ओके है, चल जाते चल सकते हैं, ये भी ये बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं ट्राई, और कुछ ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट और ग्रेडियंट्स को ट्राई करके हम देख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, ये भी फुल प्रोफेशनल लग रहा है, इस टाइम पोस्टर ये भी प्रोफेशनल पोस्टर लग रहा है, प्रोफेशनल पोस्ट लग रही है फेसबुक पे, बट चले हम रेड पे कंटिन्यू, बट मुझे ना ये पर्सनली ये अच्छा लगा था, ठीक है, और ये भी एक अच्छा, तो इसके मल्टीपल आप बना सकते हैं, मल्टीपल आइडियाज बना सकते हैं इसके, लेट्स गूगल रेड जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया, तो ये अब देखेंगे कलर हर बैठ रहा है इस पे, उसकी रीज़न पता क्या है, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन नहीं, ठीक है, अगर हम डिज़ाइन करते हैं कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन के साथ किसी चीज़ को, तब हमें उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ना था उसी कलर के साथ, ठीक है, बट अब हमें एक एसोसिएशन सिर्फ इतनी सी है कि इंटेंसिटी, ठीक है, अब इंटेंसिटी आपको पता है वार्म कलर ही दिखाता है, वार्म में आप चाहे रेड रख लें, ऑरेंज रख लें, येलो रख लें, वॉयलेट रख लें, पिंक रख लें, जैसे हमने सारे रखे हैं ये, तो ये सारे हमने सारे रख के ट्राई किए हैं, तो ये सारे अच्छे लग रहे थे कलर्स, ठीक है, हमने ग्रेडियंट्स में भी ट्राई किया, तो इसकी सिर्फ यही रिक्वायरमेंट थी पोस्ट की कि ये ना थोड़ी इंटेंसिटी इसमें हो, एक दफा फिर से हम कलर्स को थोड़ा ट्राई कर लेते हैं बैकग्राउंड के, वार्म कलर्स पे जाना है हमने, तो ऑरेंज भी अच्छा लग रहा है, देखें वॉयलेट होता है वार्म कलर्स में अच्छा लग रहा है, अगेन ठीक है इसको भी वॉयलेट करना पड़ेगा, तो इसकी ये क्यों अच्छे लग रहे हैं कलर्स हम चेंज कर रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, वो इसलिए से इस वजह से अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन है ना वो वार्म कलर्स है, कुछ स्पेसिफिक वन कलर नहीं है, जैसे ये एक हमने डिसाइड किया था कि ये अच्छा लग रहा है ग्रेडियंट ऑरेंज में, क्योंकि अगेन ये वार्म कलर में आ रहा है, ठीक है, तो ये वार्म कलर्स आप जो भी यूज करेंगे वो एसोसिएट कर जाएंगे इसके साथ, ठीक है, जैसे ये भी है ये थोड़ा कूल कलर है लेकिन अगेन एसोसिएट कर रहा है किसी हद तक, एसोसिएट कर रहा है, तो इसको ट्राई करते हैं अगेन, ये थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगेगा, इसमें ही हम फाइनल करते हैं, बट आप इसको ट्राई कीजिएगा, और अपनी प्रैक्टिस के लिए ना आप इसी चीज़ को चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, कुछ भी कर लें, इसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, सेम इसी डिज़ाइन को जो हमने आज डिज़ाइन किया ना यहाँ पे, इसको आप भी कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपको क्या इश्यूज आते हैं, और ये एक हमने क्लासिकल सा डिज़ाइन क्रिएट किया था, ये एक थोड़ा सा मॉडर्न और थोड़ा कैची और अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट किया था, बट जो भी हम कर रहे हैं शुरू दिन से अब तक हम चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, वो सिंपल सिंपलिसिटी ही खुद ही एक अपने आप में उसमें एक क्रिएट कर देती है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, तो सिंपलिसिटी इज़ द की, आप चीज़ों को सिंपल रखें, बहुत एलिमेंट्स मैं भी यहाँ भर सकता हूँ, मैं ये भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, बट उसका फ़ायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उसका, मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ, मैं जी ये मेरा दिल करता है इसका कलर चेंज करके मैं यहाँ लगा दूँ, बट वो उसका कोई फायदा नहीं, जो जैसे ये सिंपल चीजें हैं ना, ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, जरूरत की चीजें वो ठीक लग रही, ठीक है, तो इसको अगेन डाउनलोड करने का आपको तरीका पता है कि हमने इस शेयर पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे PNG में JPG में जिसमें हम डाउनलोड करना चाहते हैं, हमने सारे पेज करने हैं
कि हमने एक ही करना है, लेट से हम सिर्फ ये वाली पोस्ट का पेज करते। तो मैं ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो डाउनलोड कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा पोस्ट एक पूरा बन के। तो सिंपल, आप अब यहाँ से कैनवा को बंद भी कर सकते हैं, कोई आपकी चेंजेस डिस्टर्ब नहीं होगी, कुछ नहीं कहेगा। आप दोबारा आएंगे वो चलेगा। तो हमारा पोस्ट पे जो डाउनलोड हुआ है ये भी ये हमने एक आज मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट क्रिएट की है, ठीक है। आपको मैं ये सेंड कर दूँगा, इससे कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा आपको, ठीक है। तो आज हम लेक्चर को एंड करते हैं अभी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पुट ऑन करें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? माहम, रिता या कामरान, किसी का कोई क्वेश्चन? आप तीनों ही ऐसे हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिल ले रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप लोग कुछ आउटपुट दे रहे हैं। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग? सर, आपने जो फॉन्ट वगैरह इस्तेमाल किए हैं उसके नेम आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं? मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। दोनों के या सिर्फ इसी के? अच्छा, इसमें ना वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट टूल भी नहीं है, तो बस जो आप देखें, एक चीज है सेंस सेरिफ। फॉन्ट्स के काफी सारे नेम है ना जो आप यूज कर रहे थे, हाँ, बोल रहे थे, तो है, वो है। हमें तो पता नहीं है ना, इतना ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है अभी इसका, तो आप वो लिखकर सेंड कर देना हमें। मैं कर दूं इसमें, वैसे मैंने आई थिंक हेलवेटिक मॉन्टसेरेट यूज किया था, ठीक है। वैसे मैं जो पॉपुलर फॉन्ट्स है ना, सेरिफ के, सैन सेरिफ के और डिस्प्ले के, इन तीनों कैटेगरीज के पॉपुलर फॉन्ट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप लोग वो ट्राई। बाकी एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही फॉन्ट यूज करना है, सिर्फ मॉडर्निज्म रखना है हमने, तो आपको पता सैन सेरिफ, गूगल पे सर्च करें सैन सेरिफ फॉन्ट्स, वो आपको दे देगा, जो अच्छा लग रहा है यूज करें, मसला नहीं। फिर भी मैं आपको दे दूंगा और ये पोस्टर भी दे दूंगा, इसे कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। और किसी का कोई क्वेश्चन? और ये इमेज बैकग्राउंड फिर बहुत किया था, मैं वही बात करने लगा था, मैं उस वेबसाइट का भी आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, वो थी remove.bg, बैकग्राउंड रिमूवर, या सिंपल आप लिखेंगे ना रिमूव इमेज बैकग्राउंड ऑनलाइन फॉर फ्री, गूगल पे सर्च करेंगे वो पहली वेबसाइट ही आती है, उस पर डाउनलोड सॉरी अपलोड का ऑप्शन रहेगा। मैं दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको, हमने जाना है गूगल पे, हमने रिमूव इमेज बैकग्राउंड, सिंपल ये रिमूव इमेज बैकग्राउंड, पहली ही वेबसाइट आती है remove.bg के नाम से, इस पर क्लिक कर लें आप। फिर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अपलोड इमेज पे जाएं, इमेज अपलोड करें जिसका आप रिमूव करना चाहते हैं बैकग्राउंड, ये आपको प्रोसेस करके इमेज दे देगा, ओरिजिनल इमेज ये थी, बैकग्राउंड रिमूव गूगल के बाद ये बनी। इसको सिंपल डाउनलोड कर लें और यूज करें कैनवा पे, ये चीज़ हमें कैनवा देता है बट वो प्रो वर्जन में है, तो वो जब हम प्रो पे जाएंगे ना तब उस पर करें एक्टिवेट। तो हम एंड करते हैं आज यहाँ पे, इंशाल्लाह आई होप के आप लोग और बेटर परफॉर्म करोगे, खुद से भी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश किया करें, मेरे साथ चीज़ें शेयर किया करें कि हमने ये कोशिश की, ये कोशिश की, ये चीज़ें। अलाइनमेंट्स का मुझे थोड़ा आप लोग में इश्यू नज़र आ रहा है, अलाइनमेंट्स का आप लोग ध्यान नहीं रख रहे। अलाइनमेंट्स ना कैनवा आपको लाइंस देता है प्रॉपर, जब आप चीज़ें अलाइन कर रहे होते हैं तो लाइन पर रख के चीज़ें अलाइन कर दें, चाहे लेफ्ट कर दें चाहे राइट कर दें, वो खुद ही अलाइनमेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी, ठीक है। बाकी स्पेसिस का भी थोड़ा सा इशू है, स्पेसिस को मद्देनजर रखें और अलाइनमेंट को मद्देनजर रखें, यही मुझे इशू नज़र आ रहा है अभी तक। बाकी आप लोगों की कलर स्कीम और एलिमेंट्स का यूसेज ठीक है, तो थोड़ा क्रिएटिव साइड पे आए, ठीक है। मैक्सिमम दो क्लासेस हो रहेगी हमारी कैनवा की, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल देना है कुछ, ठीक है, कुछ आप खुद से करेंगे पोस्ट डिज़ाइन और कुछ आप कॉपी करेंगे पोस्ट से। आज एक ये पोस्ट थी, इसको कॉपी करें और खुद से भी एक पोस्ट में मोटिवेशनल कोट को ही लेके उसको क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। टिल देन हम नेक्स्ट क्लास में अब
कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, और कल से पहले पहले आपके काम कंप्लीट करके रखें। कल इंशाल्लाह एक न्यू पोस्ट या एक पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और फिर परसों हम थोड़ा और लेवल अप करेंगे, और थोड़ी जो एड्स होती है ना बर्गर या जूस से रिलेटेड, बर्गर शॉप से रिलेटेड, थोड़ी जो जिसमें ज़्यादा काम होता है वो भी करने की हम ट्राई करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।